2022 का पेपर टू का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइपरबोला पर बेस्ड। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, और इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे अगर आपको हाइपरबोला का जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कंसिडर द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1 विथ फोकाई एस एंड एस वन। दो फोकाई होता है वेर एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी हाइपरबोला का थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये एक्स, ये वाई है, ठीक है। यहां पर मैं हाइपरबोला इस तरह से ड्रॉ हो रहा है आपके पास में। इसमें ये बोला जा रहा है कि दो फोकाई है, इसमें एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एस यहाँ लाई करेगा और एस वन यहां पर मैं इस तरह से लाई करेगा, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है पी बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर मैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट पी ले लिया हम लोगों ने, और ये बोला जा रहा है कि एंगल पी एस एस पी एस वन, यानी एस पी एस वन कुछ इस तरह का, ये और ये पूरा एंगल कितने के बराबर है? ये पूरा एंगल आपको अल्फा के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें अल्फा लेस देन पाई बाई टू है। फिर बोला जा रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस एंड हैविंग सेम स्लोप एज द टेंजेंट एंड पी टू द हाइपरबोला। यानी आपको क्या करना है, पी पॉइंट पर एक टेंजेंट हाइपरबोला इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिया। फिर बोला जा रहा है कि एस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि टेंजेंट के पैरेलल हो, तो इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, ये पैरेलल लाइन हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है टेंजेंट, ये वाला, ये ब्लू वाला जो लाइन है यहां पर में, जो कि इस तरह से है, यहां पर में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो रेड वाला लाइन है यहाँ पर मैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस हैविंग सेम स्लोप पॉइंट इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन एस वन पी। एस वन पी स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट यहाँ पर मैं, ये वाला इंटरसेक्ट किया जा रहा है पी वन पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? पी वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आपको बोला जा रहा है कि लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फी फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एस पी वन। यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये लेंथ कितना है, डेल्टा है, एंड बीटा इक्वल टू एस वन पी। यानी ये जो एस वन पी लेंथ है ये कितना है, बीटा है। तो आपको बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा डेल्टा, यानी आपको बीटा डेल्टा डिवाइड बाय 9 साइन अल्फा बाय 2, इसका वैल्यू आपको बताना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हाइपरबोला में आपको दो प्रॉपर्टी याद रखना है। पहला प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जो दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाला जो एंगल है, ठीक है ना, कोई पॉइंट अगर पी लिया हाइपरबोला में, तो वहां पर से दोनों फोकस को ज्वाइन करेंगे तो जो कंप्लीट एंगल होगा, यानी एंगल बिटवीन टू फोकाई एंड एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला विल बी बाइसेक्टेड बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी। यानी ये वाला क्या है, ये आपका नॉर्मल है, अगर इसको एम नाम दे तो पीएम नॉर्मल हो गया, और ये वाला क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और नॉर्मल बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर पूरा एंगल अल्फा है तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर मैं क्या करना है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जो टेंजेंट है यहां से ये वाले फोकस से एक टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये ले इसको एन नाम दिया, और अगर ये पीएम डेल्टा है तो इसके पैरेलल में अगर इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन इज आल्सो इक्वल टू बी डेल्टा, ठीक है ना। इसको एन नाम दे दिया, ये वाला परपेंडिकुलर को नाम दे दिया क्यू, इसको क्या नाम दे दिया, क्यू। अब अपने को ये समझना है कि आप यहां से देख सकते हैं एंगल एस क्यू पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, है ना। और आप देख पा रहे हैं ये जो पीएम लेंथ है, पीएम लेंथ है, अगर ये डेल्टा है, पीएम लेंथ है डेल्टा है, डेल्टा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एस पी वन, पीएम का लेंथ डेल्टा है, तो ये एस क्यू का भी लेंथ क्या होगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो ट्राइंगल है आपके पास में, राइट एंगल ट्राइंगल एस वन एन पी, इसमें अगर हम लोग साइन डेल्टा बाई 2 लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू एस वन एन डिवाइड बाई
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो यहां से जो आपके पास में एस वन पी कितना लेंथ है, ये बीटा लेंथ है, यानी एस वन एन इक्वल टू बीटा साइन अल्फा बाई टू। और आपको एक प्रॉपर्टी हाइपरबोला में याद रखना है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई एस एंड एस वन टू द टेंजेंट टू हाइपरबोला, इसका लेंथ कितने के बराबर हो जाता है, बी स्क्वायर के बराबर होता है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई एस एंड एस वन टू द टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी अगर ये टेंजेंट है और इस पर एक परपेंडिकुलर एस वन एन है, दूसरा एस क्यू है, इसका लेंथ कितने के बराबर होगा, बी स्क्वायर। मतलब अगर ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ये बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है एक परपेंडिकुलर टेंजेंट पर कौन सा हो जाएगा, एस वन एन, और दूसरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी एम, यानी एस क्यू, एस वन एन इंटू एस क्यू, ठीक है। और एक लेंथ एस वन एन कितना है, बीटा साइन अल्फा बाई टू, और दूसरा लेंथ कितना है आपके पास में, डेल्टा है ना। तो ये पूरा लेंथ कितने के बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी आपके पास में बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू, इसका वैल्यू बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज बी स्क्वायर, 64। 64 तो आपको इसका डिवाइड बाय क्या पूछ रहा है, 9 पूछ रहा है, डिवाइड बाय 9, इसका आंसर हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 9, यानी 7 पॉइंट समथिंग। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, तो 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी आंसर विल बी 7। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। तो इसमें दो प्रॉपर्टी लगा जो कि आपको याद रखना है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू फोकाई एस एंड एस वन टू द टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी स्क्वायर, है ना। कंजुगेट एक्सिस का जो हाफ है उसका बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि एंगल बिटवीन टू फोकाई एंड एट एनी पॉइंट इज बाइसेक्टेड बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो यहां से अल्फा बाय टू से ये रिलेशन आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।